दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या है हाइपरलूप? दोस्तों आज के समय में हम सभी को ये पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम चार तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक बाय रोड, दूसरा ट्रेन, तीसरा पानी वाले जहाज और चौथा हवाई जहाज, जिसमें सबसे तेज हवाई जहाज को माना जाता है। लेकिन अब यातायात के लिए पांचवें साधन को भी पेश किया जा रहा है और जो कि है हाइपरलूप। अब ये क्या है और ये हमारे भारत में कब आएगा, इसके आने से क्या क्या फायदे होंगे, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों मेरे यानी विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी यातायात के साधन को तेज रफ्तार में चलने में दो चीज बाधा डालती है। एक तो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण और दूसरा एयर ड्रैग यानी कि हवा का झोंका। अब दोस्तों यही दो वजह है जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल खर्च होता है और स्पीड भी नहीं बन पाती। और इन दोनों ही चीजों को हटाने के लिए हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। अब इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नेट यानी चुंबक के काम करने का तरीका जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने बेसिक साइंस पढ़ी होगी तो आपको ये मालूम होगा कि किसी भी चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ऐसे में अगर एक और नॉर्थ पोल रखेंगे और एक और साउथ पोल, तो दो चमक आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन अगर सेम पोल वाले दो चुंबकों को सामने रखा जाएगा तो वो आपस में नहीं चिपकेंगे। और इसी चीज पर बेस्ड हाइपरलूप तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो पोड यानी कि जो ट्यूब होगा उसमें लोग बैठेंगे, जिसके ऊपर वो ट्यूब चलेगा, उसमें दोनों ही एक ही डायरेक्शन का पोल मौजूद होगा, जिससे दोनों आपस में चिपके ना बल्कि एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेले। यानी कि हाइपरलूप जिसके अंदर चलेगा वो भी नॉर्थ पोल का ही है, और जिसमें पोर्ट के अंदर लोग बैठे होंगे उसका बाहरी हिस्सा भी नॉर्थ पोल का बना हुआ है, जो बड़े आराम से दोनों चीज एक दूसरे को अपने आप से दूर करेंगे, जिसकी वजह से बिना ज्यादा फ्यूल खर्च हुए और ना ही किसी रुकावट के हाइपरलूप बड़ी आसानी से चलने लगेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई वजनदार चीज है, हम चाहे जितनी मेहनत क्यों ना लगा ले, उसे धकेलना मुश्किल हो जाता है। अरे आप बाकी चीजों को तो छोड़ दीजिए, एक खाली कार को भी हम नहीं धकेल सकते। लेकिन अगर इसी तरह की साइंटिफिक चीज का प्रयोग किया गया तो भारी से भारी चीज को बड़ी आसानी से आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ धकेला जा सकता है। और अगर बात की जाए हवा के झोंके की, तो हाइपरलूप वाले कॉन्सेप्ट में काफी मोटे मोटे पाइप लगे होते हैं जो हवा को खींच लेते हैं। इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ना ही फ्रिक्शन की चिंता है ना ही हवा के झोंके की। पर आप चिंता मत कीजिए, जिस पोड में आपको बैठाया जाएगा उसके अंदर आपके सांस लेने जितनी पर्याप्त हवा मौजूद होगी। अब दोस्तों लास वेगास में तो हाइपरलूप का ह्यूमन ट्रायल कर लिया गया है और दुबई में भी इसे लाने की पूरी तैयारी है। दोस्तों अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर लीनियर मोटर मौजूद होगा जो इसे आगे की तरफ ढकेलता है। अगर आपको ना पता हो लीनियर मोटर क्या होता है, तो साफ शब्दों में इतना समझ जाइए कि जो मोटर चीजों को आगे की तरफ धकेलता है उसे लीनियर मोटर कहते हैं। दोस्तों इसे चलने में और ज्यादा आसानी हो इसलिए इन पोर्ट के आगे फैन लगा दिया जाएगा जो हवा को पीछे की तरफ धकेलता है। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जब वैक्यूम ट्यूब सारी हवा को खींच लेता है तो इस फैन का क्या काम है। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हर टाइम तो ये पोर्ट चलते नहीं रहेंगे, इन्हें रोका भी जाएगा और यही पंखा ब्रेक का काम करेगा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की मदद से मात्र 90% हवा को ही खींचा जाएगा, बाकी की हवा अंदर ही मौजूद रहेगी। और जब इसे रोकना होगा तो फैन को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाएगी। अब आप इसके चलने का तरीका तो जान गए हैं और ये भी समझ गए होंगे कि इसमें बिजली बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होगी, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। और इसी वजह से सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इसे चलाने के लिए अलग से बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए इसी के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे जो पर्याप्त मात्रा में बिजली जनरेट करेंगे। दोस्तों अब इस हाइपरलूप के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। जैसे कि अगर हम फायदे की बात करें तो इस पर किसी भी मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब कुछ बंद तरीके से किया जाएगा। इसकी वजह से जीव जंतु भी बहुत कम मरेंगे और वातावरण को भी नुकसान कम आएगा। खास करके इसमें किसी भी तरह की एनर्जी भी ज्यादा उपयोग नहीं होगी, वो भी बहुत अच्छी बात है। जो हम इस टाइम पर्यावरण की समस्या से जूझ रहे उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है,
और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो वो भी बहुत कम है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन तो है नहीं कि चीजें खराब होंगी। अब जब मेंटेनेंस कम है तो उसका किराया भी कम होगा, और स्पीड की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत भयंकर रहेगी, जहां इसकी औसतन स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है। अब अगर हम इसमें मौजूद खामियों की बात करें तो दोस्तों, शुरुआत में इसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगेगा, क्योंकि हर एक चीज तैयार करने में भारी कीमत लगने वाली है। दूसरी सबसे खराब चीज ये है कि इसमें पेड़ बहुत ज्यादा काटे जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण इसे बिल्कुल सीधा रखना होगा, और सीधा रखने के लिए कई बार पेड़ों की बलि देनी पड़ेगी। अब प्रेशर कम होना भी एक समस्या है, क्योंकि कई सारे लोगों को बंद कमरे या कार वगैरह में भी अजीब सा महसूस होने लगता है, इसलिए उनके लिए ये हाइपरलूप सिस्टम उतना कारगर नहीं होने वाला। उसके अलावा स्पीड तेज होने के कारण अगर किसी वजह से ब्रेक काम नहीं किया तो भी समस्या है, और अगर भूकंप की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत बनने वाली है, क्योंकि जब कभी भी गाड़ी वगैरह की स्पीड कम रहती है तो हल्का झटका भी कोई फर्क नहीं करता, लेकिन जब स्पीड ज्यादा रहती है तो हल्का सा भी इधर उधर डिसबैलेंस कर देता है, और यहाँ भी इसी चीज का डर लग रहा है। पर दोस्तों, इन सभी चीजों पर काम चल रहा है, और बहुत जल्द हमारे भारत में भी ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अब आप इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।